कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन के अजमेर आने से पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के गुटों के नेता व कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। हालात इतने बिगड़े कि बैठक स्थल वैशाली नगर स्थित गोविंदम समारोह स्थल से माइक साउंड आदि सामग्री को हटा दिया गया। तय कार्यक्रम के अनुसार अमृता धवन को सरकार और संगठन के बारे में फीडबैक लेने के लिए गोविंदम समारोह स्थल पर आना था। शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने बैठक स्थल पर व्यवस्थाएं की। इस व्यवस्था में जब विघ्न पड़ गया तब आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर अपने समर्थकों के साथ आ गए। पायलट गुट के विजय जैन का कहना रहा कि यह बैठक शहर कांग्रेस की ओर से आयोजित की गई है, जबकि राठौर का शहर से कोई सरोकार नहीं है। जैन का यह भी कहना रहा कि पहले हम अमृता धवन को जानकारी देंगे, लेकिन धर्मेंद्र राठौर और उनके समर्थकों ने कहा अब हम बैठक स्थल से बाहर नहीं जाएंगे। इस पर विजय जैन और उनके समर्थकों ने अपने माइक और साउंड हटा दिए। विजय जैन ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने बेवजह माहौल को बिगाड़ा है, ये लोग राष्ट्रीय सचिव के सामने सच्चाई को आने नहीं देना चाहते। और इसी मामले पर अधिक जानकारी के लिए पूजा जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी पूजा, बताइए क्या है पूरा मामला, दो गुटों के बीच राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान का असर अब दिखने लगा है। आज अजमेर में एआईसीसी की सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन के दौरे से पहले गहलोत और पायलट समर्थक आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के समर्थकों के बीच जमकर लात घुसे चले। इस दौरान आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर के खिलाफ नारेबाजी हुई और मुर्दाबाद के नारे भी वहीं पर लग गए। देखिए ये पूरा मामला वैशाली नगर स्थित गोविंद समारोह स्थल का है और दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों भिड़ गए। बता दें कि दरअसल शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज बैठक रखी गई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि फीडबैक कार्यक्रम था। इसमें सह प्रभारी 1-to-1 बातचीत करने के लिए आई थी। शहर कमेटी की इस बैठक में देहात कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी पहुंच गए थे, लेकिन उससे पहले इस प्रकार की बात सामने आ गई। जी जी धन्यवाद पूजा पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।